सबसे पहले पूरी लंबाई 14 इंच, ठीक है, तीरा आपका 6.5, ठीक है, पीछे का गला हमने लिया है 1 इंच, आगे गला 3 इंच, ठीक है, यहाँ से यहाँ 4 इंच लिया है बैक बोट नेक के लिए, आर्म होल 6 इंच, ठीक है, यहाँ पे 1/2 इंच आपका स्लोप किया है, जितना स्लोप किया उतना ही हमने यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। ये लेने के बाद चेस्ट लाइन ली है आपकी, ये 7×28 प्लस 1, तो 1.5 इंच ले रखा है, प्लस 1.5 इंच, 1 इंच का ये है, ठीक, डॉट। अब ये जो है सीना आएगा इनका 3.5 पे डॉट आएगी, और डॉट की लंबाई जो है वो 3.5 इंच लंबी, इस तरीके से, ठीक। कमर जो है आपकी है 24 प्लस 1.5, तो ठीक है, क्लियर। रुको, पहले मैं इसी किनारे, गले को हम कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, पहले बैक मार्जिन हमने प्लस कर रखा है, ठीक है, और अब ये नीचे से कटिंग करेंगे। नोचेस, ठीक है, नोचेस, ये पल्ला निकल आया। अब आगे के पल्ले की कटिंग करते हैं, जिनके साथ लिया है, ठीक है, ये आगे की गहराई देनी है इस तरीके से, ये मिड का निशान, ठीक है, हो गया। ये आपके नोचेस, फिटिंग का निशान इस तरीके से, ये तैयार स्लिप। पूरी लंबाई ली है 17 इंची, 17, ठीक है। इसके बाद ये तीर ये लिया है बढ़वा पट्टी के लिए, फेसिंग पट्टी इसको बोलते हैं, ठीक है, इंटरलाइनिंग भी बोलते हैं, 2 इंच। उसके बाद ये लिया है 7, ठीक है, 7 लेने के बाद फिर लिया है यहाँ से 2.5, और यहाँ पे लिया है 2.5 और इसको मिला दिया है तिरछा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिया है चेस्ट आर्म होल लिया है 6, ठीक, ये लिया है आपने 9, ठीक है, लूजिंग बननी है, कुल मिला के ये लूज बनती है, ओके, ये 9 लिया, एक्सेस ले रखा है, इसके बाद पूरी लाइन मिला दी। आप कटिंग देखिए फटाक से, हम्म,
मैंने अभी नहीं काटा, बाद में काटेंगे। इसका लुक देखिए, थर्टी वन इस तरीके से इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल घेर है। ठीक है, कच्चा। ठीक है, और यहाँ से फिर निशान, यहाँ से फिर आपका चेस्ट का चौथाई तो प्लस करा हुआ है, तो ये देखिए फिटिंग का निशान, चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच। ठीक है, फिटिंग का निशान आ गया, कमर की फिटिंग का निशान देखिए इस तरह से लगाएंगे और आप फाइनल बना देंगे। चलिए फाइनल स्टिच।